हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल नेचुरल इंडियन टीवी में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बड़ी मछलियों के चराई के बारे में। तो देखिए, हमने सबसे पहले ले लिया है लगभग 50 ग्राम चूड़ा और आज हम इसी से ही बड़ी मछलियों का चराई बनाएंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी के घर यह चीज़ ज़रूर होगी और यदि नहीं है तो इससे जुड़ा सवाल आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से इसको प्लेट में डालते हैं और चराई बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही बढ़िया चराई है, इसको लोग पुराने समय में भी इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, हमने इसको प्लेट में डाल लिया है और इसके बाद हमें ज़रूरत है ये पशु आहार की। तो फ्रेंड्स, ये जो पशु आहार है, जो पशुओं को खिलाया जाता है, वही चीज़ है और मछलियों को बुलाने में यह भी ज़्यादा वर्क करता है, तो इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल चराई में किया है। और अब हम इसे थोड़ा बारीक कर लेंगे, इसको हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, जिस तरह इस वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरह आप बारीक कर लीजिए। तो चलिए, हम इसको प्लेट में डालते हैं और अब हमें इसमें डालना है थोड़ा सा हल्दी, जो कि आप देख सकते हैं कि यह कितनी मात्रा में है। तो इसको हम डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, हम इसको आपको मिक्स करके दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, हमने इसको लगभग अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको थोड़ा गीला करके मिक्स करेंगे। तो देखिए, मैंने जिस प्रकार से वीडियो में मिक्स किया है उसी प्रकार से आप कर सकते हैं। वैसे आप चारे की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, हम आपको इसको मिक्स करके दिखाते हैं। दोस्तों, इसको हमने लगभग एकदम अच्छे से मिक्स किया है और आप इसको देख सकते हैं कि कितना बढ़िया चराई बना है और दिखने के साथ साथ यह वर्क भी बहुत ही अच्छा करता है। वैसे इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके इस्तेमाल के लिए आपको तालाब पर लेकर इसे जाना होगा और आप जिस जगह पर मछली का शिकार करेंगे उस जगह पर इसे फेंक दीजिए, जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। और लगभग 15 मिनट के बाद आप वहाँ पर अपने हुक को डालिए। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अब हम चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।